तो लो आप लोग कैसे हैं तो फिर लेकर आ गए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो एक नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू ब्रैकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो आप लोग आप लोग जानते हैं आप लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी माइनस बी माइनस ए बी माइनस ए तो देखिए ए मेरा ई है और बी मेरा कौन है तो माइनस एक माइनस सॉरी एक्स माइनस एक्स है देखिए ए मेरा एक्स स्क्वायर है माइनस एक क्या है एक है तो देखिए एक, एक को क्या मानते हैं एक मानते हैं फिर इधर एक है एक स्क्वायर है तो एक को क्या मानेंगे एक मानेंगे और फिर एक को क्या मानेंगे एक मानेंगे तो एक बाटा तो, माइनस क्या है माइनस एक है तो माइनस एक की जगह पर कुछ नहीं तो क्या एक छुपल है तो माइनस एक हो गया एक क्या है मेरा तो एक है तुँण थे तुँण। थे तो एक बाटा एक बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक तो यदि द्विघात बहुपद क्यू ब्रैकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा तो माइनस ए होगा तो माइनस ए होगा तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा एक का आंसर करेक्ट ए हो जाएगा फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है दो नम्बर दो नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का शून्यों को किस संख्या होती है तो द्विघात बहुपद का शून्यों को की संख्या होती है वो क्या होती है तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दो। द्विघात बहुपद का शून्यों की संख्या क्या होती है तो दो होती है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर यदि बहुपद p(x) x2 2x 5 के शून्यक a b हो तब हो तो हो तो तो ए और बी का मान क्या होगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बराबर होता है तो था था था। सी बाई ए सी बाई ए तो देखिए यदि बहुपद टी ब्रेकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव के शून्य ए इंटू बी हो तो ए बी का मान क्या होगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़े हैं सी बाई ओ सी बाई ए तो देखिए सी मेरा क्या है पाँच है और एक क्या है तो एक्स है X के क्या मानेंगे एक मानेंगे एक छुपा हुआ है वहाँ पे तो पाँच बटा क्या होगा मेरा एक हो जाएगा एक बार पाँच बटा एक तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा तो तीन का करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा तो पाँच हो जाएगा तो ऑप्शन ए सही है तीन का फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं चार नंबर चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग नहीं नोट कर रहे हैं तो इसको नोट नो, कॉपी खोल ले इसको नोट कर ले फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है चार नंबर चार नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूलों का योग तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर बराबर होता है बी माइनस ए बी माइनस ए तो देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूलों का योग तो देखिए ए मेरा क्या है एक्स स्क्वायर और फोर एक्स क्या है मेरा बी है और एक क्या है सी है तो हमको क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा तो मूलों का योग योग माने क्या होता है जोड़ तो अल्फा प्लस बीटा बी माइनस है तो बी का मान क्या है मेरा, मेरा? तो माइनस चार है माइनस तो चार और बी में मेरा क्या है फॉर्मूला में क्या है मेरा माइनस बी है तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा प्लस चार प्लस चार हो जाएगा इधर क्या है एक स्क्वायर एक्स एक् स्क्वायर को क्या है इसल क्या छुपा हुआ है एक तो एक बाटा एक हो जाएगा तो चार बाटा एक बराबर क्या आ जाएगा मेरा चार आ जाएगा चार आ जाएगा तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन के मूलों का योग मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन का मूलों का योग क्या हो जाएगा तो फोर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट सही है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं पाँच नंबर पाँच नंबर क्वेश्चन है पाँच नंबर क्वेश्चन है नंबर कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी देखिए द्विघात बहुपद का होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो तो ये क्या होता है द्विघात बहुपद का होता है और त्रिघात बहुपद का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तो त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है तो ऑप्शन सी फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है छ नंबर अगला नंबर क्वेश्चन है छ नंबर फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है छ नंबर छः नंबर क्वेश्चन है छः नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद एफ ब्रैकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सात के मूल हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान होगा क्या होगा तो देखिए यह क्या है देखिए एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान पूछ रहा है और ये क्या है मेरा यहाँ दिया हुआ है क्या ये क्या है मेरा ए का मान दिया हुआ है माइनस फाइव एक्स तो एक क्या है बी है मेरा और साथ क्या है सी है मेरा तो देखिए हमको क्या पूछ रहा है ए एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा तो देखिए इसका बाटा के जोर बनाएंगे तो क्या आएगा मेरा बाटा के जोर बनाएंगे तो क्या आएगा देखिए अल्फा प्लस बीटा बटा क्या आएगा मेरा अल्फा इंटू बीटा तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बी माइनस ए होता है बी माइनस ए होता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई क्या होता है सी बाई ए होता है सी बाई ए होता है तो देखिए बी माइनस ए और सी बाई ए तो देखिए बी माइनस ए तो बी का मान क्या है माइनस फाइव तो ये कहाँ आएगा बी के जगह पर रखेंगे तो माइनस बी है फॉर्मूला में माइनस बी है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइव हो जाएगा यहाँ फाइव प्लस में बच जाएगा और बाटा ए तो बाटा ए मेरा एक्स स्क्वायर तो यहाँ क्या छुपा हुआ है एक तो फाइव बटा फाइव बटा वन हो जाएगा फाइव बटा वन हो जाएगा और फिर क्या है सी बाई ये तो सात बटा नीचा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो वन से वन कैंसिल ऊपर क्या है पाँच है और नीचा क्या है सात है तो क्या हो जाएगा मेरा पाँच बटा सात आंसर हो जाएगा पाँच बटा सात तो यदि अल्फा इन बीटा द्विघात बहुपत एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सात का मूलो हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान तो क्या हो जाएगा पाँच बटा सात तो छ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाँच बटा सात फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है सात नंबर सात नंबर क्वेश्चन है नंबर की द्विघात पौपद सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स माइनस के होगा तो देखिए इसको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा तो लंबा प्रोसेस से इसको छोड़ते हैं सात नंबर को छोड़ते हैं अपना बना लीजिएगा फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा आठ नंबर आठ नंबर क्वेश्चन है आठ नंबर क्वेश्चन है, है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ ब्रेकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का मूल हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान क्या होगा क्या होगा तो देखिए आठ नंबर क्वेश्चन क्या है एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान पूछ रहा है यहाँ क्या दिए प्लस टू एक्स प्लस थ्री तो देखिए अब इसका क्या करेंगे बटा का जोड़ बनाएंगे तो बटा का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा तो देखिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बराबर लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है बी माइनस क्या होता है ए होता है ए होता, होता है और अल्फा इनटू बीटा होता है सी बाई ए होता है सी बाई ए होता है तो देखिए देखिए क्या हो जाएगा हमसे पूछ रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफिक्स e बराबर एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री का मूल हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान क्या होगा तो देखिए हम लिख लिए इसका बाटा का जोड़ की जगह तो क्या अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बी माइनस से अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाई है तो लिख लिए अब देखिए हमारा एक क्या है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं एक मानते हैं और देखिए बी मेरा क्या है टू एक्स तो इसको क्या मानेंगे टू मानेंगे और सी क्या है मेरा थ्री तो थ्री लिख लिए यहाँ क्या हो गया थ्री हो गया अब देखिए b माइनस ए तो देखिए b मेरा क्या है प्लस टू है तो यहाँ दो रखेंगे b के जगह पर तो माइनस दो हो जाएगा बटा स्क्वायर है तो उसको क्या मानते हैं एक e, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक है तो माइनस माइनस दो बाटा एक एक हो जाएगा और सी क्या है मेरा तीन है तो सी तीन हो जाएगा एक के जगह पर क्या रखेंगे एक रखेंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस दो बाटा क्या आ जाएगा मेरा तीन आ जाएगा आंसर तो आठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस दो बाटा तीन तो आठ का मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी आठ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी दो बाटा माइनस माइनस बाटा तीन फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है, है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक होगा तो देखिए क्या होगा तो द्विघात बहुपद एक माइनस थ्री के शून्य होगा तो इसका क्या करेंगे नहीं? इसको इस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स थ्री एक्स बराबर मान लीजिए क्या जीरो है जीरो है तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो देखिए अगर माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरा रूट अंडर थ्री तो प्लस माइनस रूट अंडर थ्री तो प्लस में क्या हो जाएगा मेरा थ्री और माइनस में क्या हो जाएगा फिर थ्री तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्य होगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नौ के बी तो करेक्ट आंसर क्या हो गया नौ के बी फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है दस नंबर दस नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा दस नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सी उसका करेक्ट आंसर दस का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बहुपद नहीं है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है ग्यारह नंबर क्वेश्चन है फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कौन रेख रेखीय बहुपद का व्यंजक है कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है तो रेखीय बहुपद जिसका घात क्या होता है एक होता है तो रेखीय बहुपद का बहुपद का व्यंजक कौन है तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है तो ऑप्शन ए टू एक्स माइनस फाइव फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है बारह नंबर बारह नंबर क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ ब्रेकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान है बीटा का मान है तो देखिए हम बता चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी माइनस ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ओ ए तो देखिए इसका बाटा के जोड़ बनाएंगे तो क्या आएगा बाटा के जोड़ बनाएंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू तो बीटा तो बीटा बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बरा क्या होता है बी माइनस ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए तो देखिए मान बैठाएंगे तो देखिए हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी माइनस ए तो देखिए बी मेरा क्या है बी मेरा एक्स है तो एक्स का जगह पर कुछ नहीं तो क्या है एक एक और बी माइनस ए तो एक तो माइनस एक हो जाएगा और ए मेरा क्या है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए है तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है यहाँ भी एक छुपा हुआ है अब देखिए फिर क्या देखिए अल्फा इंटू बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए तो सी मेरा क्या है एक है तो यहाँ लिख लेंगे एक अब फिर क्या हो जाएगा देखिए सिवा ये तो एक क्या एकक्वायर यहाँ कुछ नहीं तो क्या ए? एक छुपा लिखेंगे देखिए तो एक से एक कैंसिल फिर एक से एक कैंसिल तो क्या माइनस आया एक आया माइनस एक तो यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक ब्रैकेट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के मूल हो तो एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन बी माइनस एक माइनस एक फिर मेरा अगला नंबर क्वेश्चन है तेरह नंबर तेरह नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है तेरह नंबर एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दो तथा माइनस पंद्रह है तो द्विघात बहुपद है द्विघात बहुपद है तो आप लोग द्विघात बहुपद का सूत्र पढ़े होइएगा पढ़े होइएगा कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ब्रेकेट अल्फा प्लस क्या पढ़े होइएगा अल्फा प्लस बीटा आ इंटू क्या पढ़ा हुईगाइएगा एक्स और प्लस क्या पढ़ाई होगा अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा तो देखिए योगफल माने क्या होता है योगफल माने होता है क्या जोड़ होता है गुणनफल माने क्या होता है गुना तो देखिए योगफल का मान मेरा कितना दिया हुआ है जोड़ माने अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है दो दिया हुआ है और गुणनफल कितना दिया हुआ है माइनस पंद्रह माइनस पंद्रह दिया हुआ है तो अब देखिए तब एक माइनस अल्फा प्लस बीटा तो देखिए हम एक स्क्वायर लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम दो रखेंगे और यहाँ क्या एकस है x है x है तब एक टू में एक से गुना हो जाएगा तब तो माइनस तो यहाँ है ले है और देखिए अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दो रख लेंगे यहाँ x है एक से गुना होगा टू एक्स में क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा अब माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा टू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स देखिए माइनस पंद्रह है इधर क्या है प्लस अल्फा इंटू बीटा तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है माइनस पंद्रह तो यहाँ लिख लेंगे क्या माइनस पंद्रह माइनस क्या लिख लेंगे पंद्रह पंद्रह हो गया तो क्या मेरा आया बहुपद क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पंद्रह तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस पंद्रह तो तेरह नंबर का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी तो आशा करेंगी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा से शेयर करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो देखिए इस पर हमको मैथ सॉल्व करने में थोड़ा परेशानी हो रही है इससे हम सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं उतना इसलिए तो प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे आपको बेहतरीन वीडियो हम लाते रहें और सपोर्ट करें भाई बूझ कर एक सपोर्ट करें बस